विदिशा में गणेश उत्सव के दौरान बाढ़ वाले गणेश मंदिर पर पिछले 7 दिनों से अखंड नारायण पाठ का आयोजन किया जा रहा। आज उसे पाठ का समापन होने के साथ पूर्णाहुति यज्ञ भी किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले 15 सालों की तरह इस साल भी बाढ़ वाले गणेश मंदिर पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। उनके साथ उनकी पत्नी साधना सिंह चौहान भी शामिल थी। दोपहर 3 बजे के लगभग बाढ़ वाले गणेश मंदिर पहुंच करके सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा अर्चना की, उसके बाद जीर्णोद्धार कर बनाए गए मंदिर में शिखर कलश की स्थापना की, उसके बाद पूर्णाहुति यज्ञ में सम्मिलित हुए। अखंड रामायण पाठ के दौरान रामायण की चौपाई गाते हुए भजन भी किए गए। महाआरती के बाद भंडारे में कन्या और वाहनों को अपने हाथों से प्रसादी वितरित की गई और भंडारे का शुरुआत किया। उन्होंने भगवान गणेश से मध्य प्रदेश की सुख शांति और तरक्की के लिए प्रार्थना की। कार्यकर्ता के साथ पदाधिकारी इस कार्यक्रम में सम्मिलित रहे। साहब भी आए हैं, आप भी आए हैं, क्या लगा और ये मंदिर का दोबारा जीर्णोद्धार हुआ है उसको कैसे? देखिए, ये तो बाढ़ वाले बाबा की कृपा है और उनकी कृपा संपूर्ण मध्य प्रदेश और देश में है। गणपति उत्सव से देश आनंदित है, प्रफुल्लित है, सनातन धर्म की जय जयकार हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, भाभी साधना सिंह जी, पूरे परिवार सहित और सभी जो धार्मिक श्रद्धालु हैं सबने आए, भगवान के दर्शन किए, आहुति दी और परमात्मा से जगत कल्याण की भावना से प्रार्थना की और ये भी प्रार्थना की कि भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे जो सनातन दुनिया की रक्षा करता है और जिस सनातन को लोग रोगी कहते हैं, परमात्मा उनकी भी जो मानसिक रोगी हो गए उनको भी थोड़ा सद्बुद्धि दे और सनातन के छत्र छाया में जो जी रहे हैं उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि सूरज की चमक सनातन धर्म से। विधानसभा जीतने के लिए भी भगवान से प्रार्थना की, क्योंकि विधानसभा तो परमात्मा ने जो पुण्य काम किए हैं, पुण्य काम करे जाओ परमात्मा जिताया जाता। पुण्य काम करने में शिवराज सिंह जी ने कभी कभी की नहीं। क्या भाजपा की बाढ़ कांग्रेस को बहा कर ले जाएगी इस बार? किसको? नहीं, कांग्रेस को। कांग्रेस बचेगी नहीं सर, यही नहीं देश में, कहीं कांग्रेस नहीं मिलेगी आपको। कांग्रेस ये जो है, कांग्रेस यहाँ से पूरे देश और प्रदेश से गायब हो जाएगी। कांग्रेस की हम ये नहीं कह रहे कि हमारी बाढ़ में बहेगा, पर कांग्रेस के जो पाप है वो पाप इतने हैं कि पाप ही उनका अंत कर दे। केंद्रीय मंत्रियों को उतारने का भी एक लिस्ट जारी हुई सर, इसमें ये संगठन की अपनी रणनीति है और रणनीति को धीरे धीरे वो आपको बताएंगे।